एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस अबाउट सरप्राइज एलिमिनेशन जो कि अपकमिंग एपिसोड में होने वाला है। वी विल डिस्कस कि उस सरप्राइज एलिमिनेशन से कौन कौन से कंटेस्टेंट्स घर चले जाएंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस वन मोर थिंग, यहाँ पर क्या है ना कि बारिश हो रही है तो हो सकता है कि पीछे का नॉइज आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगे, अगर ना आए तो वेल एंड गुड। तो गाइस अपकमिंग एपिसोड में ना एक टास्क होने वाला है एंड वहाँ पर ना तीन टीम्स परफॉर्म करेंगी। एंड गाइस अभी ना इससे रिलेटेड प्रोमो भी आ चुका है तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि कौन कौन किस टीम में होगा। अभी ये जो टीम्स है ना वो कनेक्शन के बेसिस पे मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनेगी। तो जो पहली टीम है ना उसमें होंगे एनिका, लक्ष्य, शोभिका, देव एंड सचिन। फिर जो दूसरी टीम है ना उसमें होंगे हर्ष, शुभि, डिकिला, अनिकेत एंड सिवेत। एंड फिर जो थर्ड टीम है ना उसमें होंगे दिग्विजय, उन्नति, नायरा, अरबाज एंड रोशाली। अभी जो तीनों टीम्स है ना उनको परफॉर्म करने का चांस मिलेगा। एंड इनके अलावा चार कंटेस्टेंट साइड में खड़े हुए हैं, दैट इज एडी, जसवंत, कशिश एंड आकृति। तो मोस्ट प्रोबेबली ना इन चारों को किसी ने भी अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं किया होगा, जिस वजह से इन लोगों को परफॉर्म करने का चांस नहीं मिलेगा। फिर जो टीम लास्ट आएगी ना उसमें से सरप्राइज एलिमिनेशन होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली टास्क के स्टार्टिंग में ये नहीं बताया जाएगा कि जो टीम लास्ट आएगी उसके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। एंड जब तीनों टीम्स टास्क परफॉर्म कर खड़े हो जाएंगी ना वहाँ पर, उसके बाद सनी मैम अनाउंस करेंगे कि अभी सरप्राइज एलिमिनेशन होने वाला है एंड जो भी टीम लास्ट आई है उसमें से दो कंटेस्टेंट्स घर जाएंगे। तो सारी की सारी टीम्स ना बहुत डर जाएंगी बिकॉज उनको उस टाइम पर रिजल्ट का पता नहीं होगा। एंड गाइज यहाँ पर ना लक्ष्य और अनिका इनकी टीम लास्ट आने वाली है जिसमें सचिन, शोभिका, देव ये तीनों भी हैं, जिस वजह से ना इन तीनों की टीम में से कोई दो एलिमिनेट होने वाले हैं। तो गाइज यहाँ से शोभिका का एलिमिनेशन हो जाएगा। उसके बाद जो सचिन है ना वो भी आकृति को हक करके रो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सचिन का भी एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ से। तो ये दोनों कंटेस्टेंट्स घर चले जाएंगे। ये एलिमिनेशन ना सचिन के लिए बहुत शॉकिंग होगा एंड आकृति को भी कहीं ना कहीं उनके लिए बुरा लगेगा क्योंकि वो भी डीप डाउन उनके स्ट्रगल्स जानती हैं। अभी जो सचिन एंड शोभी का है ना वो ये पूल वाले टास्क के बाद जो टास्क हो रहा है ना उसमें भी परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपके अकॉर्डिंग सचिन को अभी एलिमिनेट होना चाहिए था या फिर वो और आगे जाना डिजर्व करते थे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।